सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आर्ट कंपटीशन रिव्यू का सेकंड पार्ट वीडियो है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट अपना ये चैनल पे अपलोड कर दिया था एक दिन पहले। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। शायद आपका जो आर्ट होगा, आपका जो बैटमैन का जो ड्राइंग होगा, शायद इस वीडियो में आपका मैं ड्राइंग दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जो जो पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है, और इसके बाद और वीडियोज आएगा, एंड आफ्टर टू डेज विनर अनाउंसमेंट हो जाएगा। फ्रेंड विनर देखते हैं कौन आता है, क्योंकि एंट्रीज तो बहुत सारा आया है, तो देखते हैं कि कौन विनर आते हैं। सो फ्रेंड्स, 50% जितना भी आर्टवर्क्स था वो मैं फर्स्ट पार्ट में दिखा चुका हूँ, और ये सेकेंड पार्ट में 50% से मतलब उससे भी ज़्यादा और आ चुका है एंट्रीज। तो चलिए, ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट नंबर पे एक पर्सन है जिसका नाम है रौनक। सो फ्रेंड्स, इनका जो आर्ट है, इनका ना ही आउटलाइन अच्छा से किए हैं और ना ही शेडिंग भी अच्छा से नहीं किए, मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि मात्र 10% सही है, 10-20%, बाकी कुछ भी सही नहीं हमको लग रहा है। तो जो भी है रौनक, आप प्लीज़ अपने आर्ट को इम्प्रूव कीजिए, और तो आपका जो आर्ट है थोड़ा सा सुधारने का ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना आर्ट को थोड़ा सा और डेवलप कीजिए। सो फ्रेंड्स, सेकंड है विश्वा जोई चक्रबोर्टी, इनका नाम है, एज है मात्र 10 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, इनका जो आर्ट है वो आउटलाइन एकदम कुछ सही नहीं हुआ है, और ना ही शेडिंग अच्छा से ये किए हैं। इनको जो रिफरेंस फ़ोटो मैंने दिया था, ये कुछ अलग ही दिमाग लगा के ड्रॉ करने का कोशिश किए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत कीजिए स्किल्स पे, अभी आप बच्चे हैं, थोड़ा स्किल्स पे काम कीजिए और ड्रॉ कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत सही बनाया है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। आपका अभी एज कम है, लेकिन आप अपने आर्ट पर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो कर सकते हैं और अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट जो नाम है वो रेशमा है, और ये 20 ईयर्स की है। रेशमा भी अलग ढंग से लिखी है, देख सकते हैं, रे पहले लिखी है, लिखने का भी स्टाइल आपका भी थोड़ा अलग हो गया है। सो फ्रेंड्स, इनका आउटलाइन सही है, परफेक्ट है आउटलाइन, और शेडिंग भी परफेक्ट है, बस बैटमैन का जो फेस जो थोड़ा लग रहा है वो थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है, ठीक है। तो इनका जो फेस है वो गुस्सा में नहीं है, एक तरह से ना दानव महिषासुर। महिषासुर टाइप का थोड़ा लग रहा है, तो बाकी सब परफेक्ट है। तो आप 90% सही है आपका, आप ग्रो कीजिए, कैपिटल। सो नेक्स्ट है फ्रेंड रोहित कुमार का। तो देख सकते हैं यहाँ पर रोहित कुमार का जो स्क्वायर में ये बनाया है, पूरा A4 साइज में ये नहीं बनाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, A4 साइज में इनका बना हुआ है। तो इनका आउटलाइन सही है, और इनका शेडिंग भी, स्किल्स भी काफ़ी परफेक्ट है, तो मस्त बनाया आपने। फ्रेंड्स, ये है भक्ति आर्ट। नेक्स्ट जो है वो भक्ति आर्ट है, और इनका जो आउटलाइन है वो सही है, और इनका शेडिंग का स्किल्स भी सही है, बस इनका जो थोड़ा सा फेस है ना वो ज़्यादा ही इनका फेस में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, बाकी हमको परफेक्ट लग रहा है। तो आपका 90% तो सही है, 10% आपने इधर उधर किया है, तो वो आप देख सकते हैं, और बाकी आपका परफेक्ट, ड्राइंग स्किल्स आपका अच्छा है, ठीक है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पर पेंसिल कलर से इन्होंने बनाया है, इनका नाम मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या तो नाम है, चौधरी कुछ नाम है। सो फ्रेंड्स, इनका जो इन्होंने पेंसिल कलर से बनाया है, और आउटलाइन में थोड़ा बोरा गलती किया है इन्होंने, क्योंकि इनका जो पेज है, मैंने बोला था A4 साइज, लेकिन इनको A4 साइज शायद समझ में नहीं आया, तो इसी वजह से इनका थोड़ा सा गलती हो गया है। बाकी कोई नहीं, आपका ड्राइंग ठीक है, इम्प्रूव कीजिए ड्राइंग को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो अहमन आर्ट्स, ठीक है, जो नेक्स्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो नेक्स्ट है वो अहमन आर्ट्स है, और इनका आउटलाइन एकदम परफेक्ट बना है, और इनका शेडिंग भी परफेक्ट है, परफेक्ट है आपका, बस थोड़ा दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही कर दिए, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है हमको, बाकी परफेक्ट है आपका। जो नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ वो माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत मस्त बनाया है इन्होंने, और इनका नाम है अतहर्ब जैम्बड़े, 15 ईयर्स के हैं, और इनका जो आउटलाइन एकदम परफेक्ट है, बहुत मस्त है, आउटस्टैंडिंग,
और इनका ड्राइंग स्किल्स भी काफी अच्छा है, मस्त बनाया आपने, ठीक है। सो फ्रेंड नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है सौराध्या दास, ठीक है। नेक्स्ट है सौराध्या दास और इनका जो एज है वो 14 ईयर्स है और इनका जो आउटलाइन है वो परफेक्ट बनाया है। इनका शेडिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छा है, शेडिंग भी अच्छा से इन्होंने किया है। बस इनका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है उन्होंने इसने थोड़ा सा गुस्से में कर दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस फ़ोटो में मैंने दिया था फेस, वो थोड़ा सा ज़्यादा इतना गुस्सा में नहीं है, आपने थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा में दिखा दिया है फेस को, तो उस वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी एकदम परफेक्ट आपने बनाया है, बहुत मस्त बनाया आपने। तो नेक्स्ट है फ्रेंड अक्षित, अक्षित नाम है जिनका एज है 14 इयर्स और इनका जो आउटलाइन है आप यहाँ देख सकते हैं, इनका जो आउटलाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आउटलाइन में इनका दिक्कत हुआ है और इनका फेस में भी हल्का फुल्का दिक्कत है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और शेडिंग स्किल्स एकदम परफेक्ट है, इनका शेडिंग मस्त है, तो बहुत मस्त बनाया आपने, लेकिन आउटलाइन में आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, सुधार लीजिएगा। आप सुधार तो नहीं सकते हैं, बस अपने स्किल्स पे काम कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को, जैसे जैसे मैं बताता हूँ अपने वीडियोस में उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और अच्छा से ड्रॉ कीजिए और आगे बढ़िए फ्रेंड, ठीक है। बस आप, मैं लोगों से यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अपने अगर आपने आर्ट में कदम रखा है तो आर्ट को छोड़िए मत, क्योंकि आपका ये पैसन है और कहीं ना कहीं आप बचपन से इसको कर रहे होंगे, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, ये करते जाना है ताकि आप फ्यूचर में एक इसको नेशनल लेवल पे ले जाएं। आप कहीं ना कहीं आर्ट जो जितने भी आर्ट वर्क्स आप बनाते हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपको अलग अलग जगह से दूसरा दूसरा फॉरेन कंट्री से आपका ऑर्डर आए, तो इस लेवल का बनिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे मनोज शर्मा आर्ट्स, सो मैं इनको क्या बोलूँ, इनका जो आउटलाइन है वो एकदम कुछ ज़्यादा ही, जो गर्दन है यहाँ का जो बैटमैन का मैंने जो गर्दन था रेफरेंस फोटो में कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है और इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया ड्राइंग को। अगर आप ग्रिड मेथड से भी बनाते तो शायद सही बनता, आपने शायद फ्री हैंड बनाया है, देख के लग रहा है कि आपने फ्री हैंड बनाया है, लेकिन फ्री हैंड बनाने के जो पीछे है कुछ आपको दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा करना चाहिए आपको, ये तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया रेफरेंस फोटो को और जैसे मन तैसे बना दिया है। इनका शेडिंग का स्किल्स काफ़ी अच्छा है लेकिन इनका आउटलाइन एकदम अच्छा नहीं है, 0% इनका अच्छा है, तो क्या बोलूँ मैं, आप इम्प्रूव कीजिए। बाकी आपका परफेक्ट है, आप शेडिंग परफेक्ट की है लेकिन आउटलाइन में आपका दिक्कत है, ठीक है। और सॉरी मैंने मनोज बोल दिया, मनोज शर्मा आर्ट्स था, तो इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर एक निखिल नाम का लड़का, यहाँ पर आर्टवर्क्स देख सकते हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा एक मतलब जो रेफरेंस फ़ोटो मैंने दिया था उस तरीके से ये नहीं बनाया है, कुछ अलग ही दिमाग लगाया है, थोड़ा सा यहाँ तक का बनाया है मात्र, तो आपने नाक को कुछ ज़्यादा ही ट्रायंगल बना दिया है, तो आपका आउटलाइन भी परफेक्ट नहीं है और ना ही शेडिंग अच्छा है, तो आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप और भी अच्छा ग्रो कर पाएंगे और भी अच्छा आर्ट को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट है विशाल, माइंड ब्लोइंग इनका बहुत मस्त आर्टवर्क्स है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो है वो विशाल का है और इनका जो ड्राइंग का स्किल्स है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत मस्त है, ठीक है, परफेक्ट बनाया एकदम, शेडिंग भी बहुत मस्त है और आउटलाइन भी एकदम परफेक्ट बनाया, तो मस्त बनाया आपने। सो फ्रेंड नेक्स्ट है इनका, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, इनका जो आर्ट का और आउटलाइन का जो स्किल्स है वो एकदम आउटस्टैंडिंग है, बहुत मस्त बनाया इन्होंने भी, तो आप देख सकते हैं, आपका नाम हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है पेपर पर। नेक्स्ट है जो प्रखर नाम है और इनका जो देख सकते हैं आउटलाइन काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है लेकिन शेडिंग कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है, आउटलाइन में भी 80% सही है, 20% इन्होंने आउटलाइन में भी गड़बड़ किया है और शेडिंग में 80% सही है, 20% गड़बड़ किया है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं अपने ड्राइंग को और आर्टवर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि ऑब्जर्व कीजिए ड्राइंग को, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका ड्राइंग कभी भी ड्राइंग अपने ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने स्किल्स पे काम जरूर कीजिए, हर दिन काम कीजिए, तभी आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है रूपमा मन और ये 13 साल के हैं और इनका जो आउटलाइन ये परफेक्ट बनाया है लेकिन शेडिंग में इन्होंने कंजूसी कर दिया है, थोड़ा सा शेडिंग और इनको इम्प्रूव करना चाहिए,
तो आप शेडिंग पे काम कीजिए, आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, आपका ड्राइंग का वाकई बहुत मस्त हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और कीजिए, ठीक है। इनका नाम स्नेह है, देखिए यहाँ पर मैं आर्टवर्क्स दिखा रहा हूँ आपको। इनका शेडिंग जो स्किल्स है वो बहुत मस्त है, ऐसा शेडिंग आपने शेडिंग मस्त किया है, लेकिन आउटलाइन में कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है, फेस में आपका दिक्कत लग रहा है, ठीक है। आपने फेस को थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर दिया है, आपने जो फेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर दिया है, होना चाहिए लंबा लेकिन आपने चौड़ा ज़्यादा कर दिया है, तो देख सकते हैं। और आँख को आपने कुछ ज़्यादा ही देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप शेडिंग कर रहे हैं, पेंसिल का काम कर रहे हैं, तो आप पेंसिल से ही आइज़ को, हर चीज़ पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिए, उसमें कलर का यूज़ मत कीजिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। यहाँ पर आपने रेड कलर का आइज़ और आँख में थोड़ा सा दूसरा कलर यूज़ किया है। देखिए आर्ट में चलता है ये सब, लेकिन ये आर्ट कॉम्पिटिशन था तो थोड़ा सा आप पेंसिल का यूज़ करना चाहिए था आपको, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी ये परफेक्ट है आपका। इनका जो नाम है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका ड्राइंग ना तो आउटलाइन अच्छा है और ना ही शेडिंग इन्होंने अच्छा से किया है, तो आप अपने आर्ट पे काम कीजिए और इम्प्रूव कीजिए आर्ट को। नेक्स्ट है महतो अंशु कुछ नाम है। सो फ्रेंड्स, इनका जो आउटलाइन है वो परफेक्ट है और शेडिंग तो माइंड ब्लोइंग, शेडिंग बहुत मस्त है और शेडिंग भी अच्छा किए हैं इन्होंने, बस थोड़ा सा फेस में हमको जो बियर्ड है वो कुछ ज़्यादा ही कर दिए हैं, तो बियर्ड इनको उतना नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा लाइट होता बियर्ड तो और भी बहुत मस्त लगता है इनका, ठीक है, तो देख सकते हैं अपना आर्ट। सो नेक्स्ट है यहाँ पर अंशु, जो कि 14 साल का है, और अंशु का जो ड्राइंग का जो स्किल्स है वो उतना अच्छा नहीं है, इनको आउटलाइन में थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था और शेडिंग स्किल्स भी थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए, बाकी आपका परफेक्ट है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो है वो अर्कप्रिया पंडित जो कि 12 साल के हैं, और यहाँ आर्टवर्क्स देख सकते हैं इनका, इनका आउटलाइन स्किल्स मस्त है, काफ़ी अच्छा है, और इनका शेडिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, इनको शेडिंग पे थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए। जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स आपको देता हूँ, रियल टाइम वीडियो देता हूँ, उसको आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उस तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर मेरा नहीं हो सके तो दूसरा आर्टिस्ट का देखिए, बहुत सारा आर्टिस्ट है, आप उनका वीडियो देख सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है दीपिका जानी, जो कि 21 साल के हैं, और इनका जो आर्टवर्क्स है वो शायद बहुत ज़्यादा काला कर दिए हैं, मतलब इतना काला उनको नहीं करना चाहिए था, वो कुछ ज़्यादा ही काला कर दिए हैं। कहीं आपका जो ड्राइंग स्किल्स है वो उतना अच्छा नहीं है, इम्प्रूव कीजिए, दोनों में इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पर आपका शेडिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं लग रहा है, सब पूरा ब्लैक आपने कर दिया है, तो थोड़ा सा उस पर इम्प्रूव कीजिए, बाकी ठीक है आपका। सो फ्रेंड, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर प्रियांशु चौहान, जो कि 13 साल के हैं, और इनका आर्टवर्क्स परफेक्ट बनाया इन्होंने, बहुत मस्त बनाया। सो फ्रेंड, नेक्स्ट देख सकते हैं, मैं नाम सबका नहीं बोल पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो ड्राइंग स्किल्स है वो अच्छा है, आउटलाइन भी इन्होंने अच्छा बनाया है, परफेक्ट बनाया अपने, थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए तो आपका ड्राइंग और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इम्प्रूव कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर भुवन कुमार है, ठीक है भुवन कुमार, जो कि इनका जो ड्राइंग स्किल्स काफ़ी अच्छा है, शेडिंग भी परफेक्ट है, मस्त बनाया अपने, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, तो आप बहुत मस्त बना पाएंगे, परफेक्ट है आपका। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट है मिक नाम, क्या तो नाम है, आप देख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोग ये जितना भी आर्टवर्क्स भेजते हैं उसमें अपना नाम क्यों नहीं भेजते हैं, आप कोई भी आर्ट कंपटीशन में अगर से होगा तो आप अपने आर्टवर्क्स पे नाम और एज ज़रूर लिखिएगा, जिससे क्या होता है फ्रेंड कि जल्दी से पढ़ने में भी अच्छा लग जाता है, मतलब पढ़ने में टाइम नहीं लगता है और आर्टवर्क्स भी मैं अच्छे से दिखा पाता हूँ आपको, तो पेज पे ही नाम और एज ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भौमिक कुछ नाम है, आउटलाइन थोड़ा बहुत गलती हुआ है, थोड़ा सा गलती उनका हुआ है, बाकी ड्राइंग और शेडिंग स्किल्स ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, पालक बोल दिया है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर पलक रानी है, और इनका ना कि आउटलाइन अच्छा है और ना ही इन्होंने शेडिंग अच्छा किया है, इनको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है खुद पर, लेकिन ये 14 साल के हैं तो थोड़ा सा और अभी 20s के होते होते आप अपने आर्ट पे अगर आज काम करते हैं तो बहुत मस्त बना पाएंगे आप, तो अपने आर्ट पे काम कीजिए और हड़बड़ी मत कीजिए, आर्ट कंपटीशन का जो डेट होता है उसमें आप हड़बड़ी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जल्दी जल्दी भेजने लगते हैं,
जो लास्ट डेट है उससे 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले भेज सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी करके 1-2 दिन बाद मत भेजिए, ऐसे आपका ड्राइंग भी अच्छा नहीं बन पाएगा और विनर भी आप नहीं बन पाएंगे, तो भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड जो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, तृप्ति यादव है जो कि 18 साल के हैं और इनका जो आउटलाइन परफेक्ट बनाया है, शेडिंग में इन्होंने थोड़ा सा गलती किया है, कहीं ना कहीं शेडिंग में थोड़ा मोड़ा गलती है और फेस में भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बियर्ड को काला कर दिया है इन्होंने, तो 90% सही लग रहा है, 10% कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो देख आप देख लेना। तो फ्रेंड नेक्स्ट है वो देव है जो कि चारकोल और ग्रेफाइट का इन्होंने यूज़ किया है, तो इनका परफेक्ट है। थोड़ा सा फेस जो रेफरेंस फ़ोटो और अपने फ़ोटो में अगर देखते हैं तो हल्का सा जो फेस है वो थोड़ा सा अलग आपने बनाया है, लेकिन परफेक्ट बनाया आपने, मस्त बनाया आपने। ठीक है, सो फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो दीक्षा रावत है और ये जो 14 साल के हैं दीक्षा रावत, इनका जो आर्ट है वो अच्छा है, आउटलाइन भी अच्छा है, तो परफेक्ट है आपका। अब परफेक्ट मैंने अगर बोल दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्राइंग्स को छोड़ देंगे, आप अपने ड्राइंग को और भी इम्प्रूव कीजिए ताकि आप भी और भी अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो फैरूज़ फैजा है जो कि 14 साल के हैं और इनका जो ड्राइंग आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका आउटलाइन अच्छा बनाया है, इनका शेडिंग भी ठीक ठाक है, इनको थोड़ा सा और चारकोल पेंसिल से इनको ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ किया है, तो कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का वो चमक नहीं आ रहा है बैटमैन में, तो जो कि आना चाहिए था। जो नेक्स्ट है वो निमिषा गुप्ता है और इनको मैं क्या बोलूँ, इनका इम्प्रूव कीजिए ड्राइंग को और आउटलाइन को अच्छा से कीजिए, आपने आँख को कुछ ज़्यादा ही चमकता हुआ बना दिया है, तो शेडिंग कीजिए करना था आपको आँख में, आईज में, तो वो आप गलती कर दिए हैं और फेस को भी बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया है, तो वो गलती है आपका। तो मैंने इसका रियल टाइम वीडियो अपलोड किया है तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस तरीके से बनाया है। सो फ्रेंड नेक्स्ट देख सकते हैं इनका कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी हो गया है, नाम है पीयूष और इन्होंने बैटमैन के आगे पीछे भी बैट बना दिया है जो कि चमगादड़ इन्होंने बनाया है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी इन्होंने दिखाया है, लेकिन इनका जो आउटलाइन है परफेक्ट बनाया है इन्होंने, शेडिंग में कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है, 50% और इम्प्रूव करना चाहिए, शेडिंग स्किल्स इनका थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए, तब ड्राइंग स्किल्स आपका बहुत मस्त हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप अपने ड्राइंग पे और काम कीजिए। सो फ्रेंड्स एक और आर्टवर्क्स है, कार्तिक राजपूत नाम है, कार्तिक राजपूत आपका जो आउटलाइन और शेडिंग तो आपका एकदम अच्छा नहीं है, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, क्योंकि शेडिंग पे आपने शायद मेहनत नहीं किया है ज़्यादा, और आउटलाइन कहीं ना कहीं आप अच्छा थोड़ा बहुत बना लेते हैं, लेकिन शेडिंग पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है और आउटलाइन भी इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव करते रहिए फ्रेंड। सो फ्रेंड नेक्स्ट है मेघ नाम है और इनका जो ड्राइंग आउटलाइन और ड्राइंग स्किल्स एकदम परफेक्ट है, मस्त बनाया इन्होंने, अच्छा बनाया है, माइंड ब्लोइंग। सो फ्रेंड नेक्स्ट जो है प्रतिमा केरावन है, केरावन इनका एज वो 14 ईयर्स है और इन्होंने जितना भी आर्टवर्क्स ये जो बनाया है, जो आर्टवर्क्स इन्होंने बनाया है, जो इनका जो आउटलाइन कहीं ना कहीं थोड़ा वो सही है, 70% का आउटलाइन सही है और इनका शेडिंग 50% सही है मात्र, तो कहीं ना कहीं देखिए 50 और 70 आपका सही है, बाकी आप 100% करने का कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड नेक्स्ट है वो पूनम कर्मा है और ये 17 साल के हैं और इनका जो आर्टवर्क्स एकदम परफेक्ट बनाया है इन्होंने, शेडिंग भी अच्छा है और ड्राइंग भी अच्छा है, आपने परफेक्ट एकदम बनाया है, माइंड ब्लोइंग। सो फ्रेंड्स जितना भी आर्टवर्क्स मैंने देखा है, इतना आर्टवर्क्स मैंने आपको दिखा दिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो को काफ़ी लंबा इसलिए हुआ है फ्रेंड क्योंकि आर्टवर्क्स इतना आया था और इंट्रीज भी इस बार ज़्यादा हुआ है, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच, आप कहीं ना कहीं आपको आर्ट में बहुत ज़्यादा पैसन है, आपको आर्ट में सीखने समझने और उस पर काम करने का बहुत मन करता है, तो सो फ्रेंड्स जो वीडियो था वो आज के लिए इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं फ्रेंड, अब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता हूँ डे बाई डे, आप लोग को कुछ सिखाने का कोशिश करता हूँ और ड्राॅइंग स्किल्स पर अच्छा अच्छा वीडियोज़ आने वाला है अभी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमको और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए फ्रेंड, आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय।